हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम इंग्लिश गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे सुजन वॉर्नर का लिखा हुआ नॉवल द वाइड वाइड वर्ल्ड, जो कि पब्लिश हुआ था 1850 में। सो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्लॉट डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे हमारी राइटर के बारे में। तो बात करते हैं सुजन वॉर्नर की। इनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में 11 जुलाई 1819 में। वॉर्नर के जो फादर थे, हेनरी वॉर्नर, न्यूयॉर्क सिटी में काफ़ी फेमस लॉयर थे, और इनकी मदर जिनका नाम था एना बार्टलेट, वो भी न्यूयॉर्क की एक वेल्दी और फैशनेबल फैमिली से बिलोंग करती थी। जो वॉर्नर बच्ची ही थी तब इनकी मदर की डेथ हो गई, और इनकी मदर की डेथ के बाद इनके फादर की सिस्टर फैनी इनके साथ रहने आ गई इनको सपोर्ट करने के लिए। वैसे तो इनके फादर काफ़ी वेल्दी थे, लेकिन इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था लॉ सूट्स की वजह से और अपने पुअर इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। सो इन ख़राब डिसीजंस के चलते इनको अपना मेंशन छोड़ना पड़ा और इन्हें बाहर शिफ्ट होना पड़ा। 1849 में जब फैमिली की सिचुएशन फाइनेंशियली काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तब सुजन और इनके सिस्टर एना ने लिखना स्टार्ट किया जिससे कि ये फैमिली को सपोर्ट कर सके। इन्होंने अराउंड 30 नॉवेल्स लिखे, और जब ये नॉवेल्स पब्लिश होते थे तो ये अपने नाम से ये पब्लिश नहीं करवाती थी, ये अपना दूसरा पेन नेम यूज़ करती थी, एलिजाबेथ वेथरिल। आप ये नाम याद रखिएगा, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनका जो पहला नॉवल था द वाइड वाइड वर्ल्ड, इनके लिखे नॉवल्स में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और ये पब्लिश हुआ था 1850 में। तो चलिए अब हम जानते हैं सुजन वॉर्नर के राइटिंग नेचर के बारे में। सुजन वॉर्नर रियल लाइफ में काफ़ी रिलीजियस थी, वो बाइबल को फॉलो करती थी, यही वजह है कि उनकी राइटिंग्स में भी रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम जानते हैं हमारे आज के नॉवल की स्टोरी लाइन के बारे में। स्टोरी कम्प्लीटली रिवॉल्व करती है एलन मॉन्टगोमरी नाम की लड़की की लाइफ के अराउंड। तो कहानी शुरू होती है और हमें पता लगता है कि एलन अपनी मदर के साथ रहती है और काफ़ी अटैच्ड हैं ये दोनों एक दूसरे से। एलन की मदर एक टीचर हैं और काफ़ी रिलीजियस हैं। एलन के फादर शिप कैप्टन हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम शिप पर ही रहते हैं। इग्नोरेंट पर्सन है ये, जो अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। फिर एक दिन एलन की लाइफ में एक नया टर्न आता है जब उसकी मदर बीमार पड़ जाती हैं और डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं कि इन्हें यूरोप जाकर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब बात थी एलन की कि वो कहाँ रहेगी, तो मिस्टर मॉन्टगोमरी उसे अपनी हाफ सिस्टर फॉर्चून एमर्सन के घर भेजने का डिसाइड करते हैं। ये थिरवाल में रहती हैं, बट जैसा कि पहले ही आपको बताया, वो काफ़ी लापरवाह इंसान है, तो वो ये बात अपनी हाफ सिस्टर तक पहुंचाना भूल जाते हैं। एलन बहुत दुखी थी, बेचारी 10 साल की छोटी बच्ची थी और कभी अपनी माँ से दूर भी नहीं रही थी, बट समहाउ वो स्ट्रॉन्ग रहने का ट्राई करती है। अब एलन के घर से दूर थिरवाल जाने का दिन आ गया था, जैसा कि उसके फादर ने डिसाइड किया था। एलन वहाँ बोट पर जाती है, बट जब एलन बोट पर थी तो बोट पर बाकी के स्ट्रेंजर्स ने उसके साथ बहुत रूड बिहेव किया था, जिसे एलन बहुत दुखी हुई और वो बोट छोड़ने का ट्राई करती है। बट यहाँ उसकी हेल्प करता है एक ओल्ड मैन, वो उसको कंसोल करता है और गॉड पर बिलीव करने को कहता है। वो उसे गॉड के बारे में बातें बताता है, जिसका एलन पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो एक ट्रू क्रिश्चियन बनकर अपनी लाइफ और अपना हार्ट जीजस को डेडिकेट करने का फैसला करती है। वैसे एलन की मदर भी काफ़ी रिलीजियस लेडी थी और वो भी कुछ ऐसा ही एलन के लिए चाहती थी। तो अब एलन थिरवाल पहुंच जाती है और उसको ये भी पता चल जाता है कि उसके फादर ने अपनी सिस्टर को तो इन्फॉर्म किया ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर उसको रिसीव करने के लिए कोई नहीं पहुँचा था। बट समहाउ एलन मिलती है मिस्टर वैन ब्रंट से, जो कि आंट फॉर्चून के फार्म्स को संभाला करते हैं। मिस्टर वैन ब्रंट ही एलन को उसकी आंट के घर पहुँचाते हैं। आंट फॉर्चून ने एलन के एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उल्टा बिहेव किया, वो काफ़ी रूड थी और एलन को मिसट्रीट करती थी। वो एलन को पढ़ने भी नहीं देती थी,
बट मिस्टर ब्रंट उसकी हेल्प करते हैं और उसको आसपास के लोगों से मिलवाते हैं, जिसमें मिसेस वॉस और उनकी ग्रैंड डॉटर नैन्सी वॉस भी थी। नैन्सी शुरुआत में एलन के तरफ काफ़ी रूड थी, लेकिन धीरे धीरे वो अच्छी दोस्त बन जाती हैं और मिसेस वॉस एलन को बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं और वो उसे फ्रेंच भी सिखाती हैं। एक दिन एलन को पता लगता है कि आंट फॉर्चून ने उसकी मदर का लेटर उसे नहीं दिया, तो वो काफ़ी हर्ट होती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। वहाँ पर उसे मिलती है एलिस हम्फ्रीज। ये लोकल मिनिस्टर मिस्टर हम्फ्रीज की डॉटर हैं और एलिस एलन से बात करती है और अगले दिन उसे अपने घर पर टी के लिए इनवाइट करती है। एलन के लिए एक बहुत अच्छा चांस था ये। उसे लगा कि एलिस शायद उसकी हेल्प करे और एग्जैक्टली होता भी ऐसा ही है। एलन एलिस से सब बातें शेयर करती है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। एलिस एलन को एज अ सिस्टर अडॉप्ट कर लेती है और उसे एडुकेट करने, स्पिरिचुअली गाइड करने और गॉड पर बिलीव करने और दूसरों को माफ़ कैसे करें ये सब सिखाने का ऑफ़र भी करती है। तो एलन के लिए काफ़ी अच्छा ऑफ़र था और वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है और वो एलिस के घर पर ही रहने लगती है। एलिस का एक भाई भी था जिसका नाम था जॉन। वो भी काफ़ी अच्छा था बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर ही रहा करता था स्कूल की वजह से। इनके घर एक मेड थी जिसका नाम था मार्जरी। ये भी नोबल लेडी थी। जब जॉन घर आता है तो वो भी एलन के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है। जॉन एलन को टाउन वेंटनॉर में क्रिसमस पार्टी पर भी इनवाइट करता है, जो कि हम्फ्रीज के फैमिली फ्रेंड्स मार्शमैन्स के यहाँ पर थी। यहाँ पर एलन को दूसरी एलन मिल जाती है जिसका पूरा नाम एलन चौंसी था। ये भी एलन की काफ़ी अच्छी दोस्त बन जाती है। सो इस तरह से एलन जो है अपने नए माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी और वो काफ़ी खुश भी होती है अपने आसपास के लोगों को देखकर, क्योंकि वो सब उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। वो गॉड को थैंक यू बोलती है और सोचती है कि अगर वो यहाँ नहीं आती तो शायद एलिस और जॉन से कभी नहीं मिल पाती। एक साल बाद वो किसी काम से टाउन जाती है तो उसे कुछ औरतों से पता लगता है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। वो बहुत दुखी होती है और वो सीधे एलिस के पास जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि एलिस ही है जो उसका दर्द समझ सकती है। एलिस एलन को स्ट्रांग रहने को कहती है और उसे बाइबल से गाइडेंस लेने को बोलती है कि तुम बाइबल पढ़ो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। अब आंट फॉर्चून अचानक से बीमार पड़ जाती हैं और एलन को उनका ख्याल रखने के लिए वापस आना पड़ता है उनके घर। कुछ दिन वो वहाँ पर रहती हैं और आंट फॉर्चून ठीक हो जाती हैं और एलन अपने फ्रेंड्स के पास वापस आ जाती है। मिस्टर वैन ब्रंट की मदर की डेथ भी इसी बीच हो जाती है और वो फॉर्चून एमर्सन से शादी कर लेते हैं। इसके कुछ ही दिन बाद एलिस भी बीमार पड़ जाती है। एलन उसका बहुत ख्याल रखती है उसके आखिरी दिनों में। वो नहीं चाहती थी कि एलिस को कुछ भी हो जाए, बट एलिस जानती थी कि उसके गॉड के पास जाने का टाइम आ गया है। वो एलन को कहती है कि मेरे बाद तुम मेरे घर में मेरी जगह लेना। तो एलिस अब गुजर जाती है और एलन की गाइडेंस अब जॉन करता है जैसे एलिस किया करती थी। बट जॉन को इंग्लैंड जाना पड़ता है किसी रिलेटिव की डेथ के कारण। बेचारी एलिस अब फिर से घर में अकेली हो गई थी, बट इस टाइम घर की मेड मार्जरी एलन का ख्याल रखती है। सॉरी, एलन अब घर में अकेली पड़ जाती है और मेड मार्जरी उसका ख्याल रखती हैं। एक दिन नैन्सी एलन के पास आती है और उसे उसकी मदर के लेटर्स देती है, जो कि उसे आंट फॉर्चून के घर में सफाई करते हुए मिले थे, जिसमें एलन की मदर ने लिखा था कि वो चाहती हैं कि एलन उनके रिलेटिव्स जो कि स्कॉटलैंड में रहते हैं उनके पास जाकर रहे। एलन को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें, तो वो मिस्टर हम्फ्रीज को सब बताती है और वो उसको सलाह देते हैं कि देखो, जैसा तुम्हारी मदर ने कहा है तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं मिसेस मॉन्टगोमरी के इन रिलेटिव्स के बारे में जहाँ पर एलन को अब जाना था। ये तीन मेंबर्स थे फैमिली में। एक थी एलन की ग्रैंड मदर मिसेस लिंडसे, एलन के अंकल मिस्टर लिंडसे और आंट लेडी कीथ। ये सब लोग एलन को बहुत अच्छे से रखते हैं। इवन मिस्टर लिंडसे तो एलन को बोलते हैं कि तुम मुझे ही फादर कहा करो और उसे अपनी बेटी ही समझते हैं। वो उसको अपनी आइडेंटिटी को भी गिव अप करने का बोलते हैं,
कि तुम अमेरिकन हो और ये जो तुम्हारा नाम है मॉन्टगोमरी इसको छोड़ दो और तुम हमारी ही बेटी बनकर रहो। बट उन्हें एक प्रॉब्लम थी, लिंसेस नहीं चाहते थे कि एलन इतनी छोटी एज में रिलीजियस पाथ पर चले और वो उसे डिस्करेज करते हैं, जो कि एलन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो जॉन को बहुत मिस करती है और एक दिन न्यू ईयर की ईव पार्टी पर जॉन एलिस को ढूंढता हुआ वहाँ आ भी जाता है। जब लिंडसेस को ये पता लगता है कि जॉन एलन से मिलने आया है तो वो काफ़ी पोजेसिव हो जाते हैं और वो नहीं चाहते थे कि एलन उनसे दूर हो, तो वो ट्राई करते हैं कि जॉन एलन से ना मिले, बट ऐसा होता नहीं है, समहाउ दोनों मिल ही जाते हैं। एलन जॉन को सब बताती है तो जॉन एलन को कहता है कि तुम गॉड पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम अपनी लाइफ के बारे में खुद से डिसीजन ले पाओगी। एलेन ये बात मान लेती है और जॉन को लिंसे से मिलवाती है, उन्हें भी जॉन काफ़ी पसंद आता है। कुछ टाइम बाद जॉन फिर से स्कॉटलैंड आता है, फिर एलेन और जॉन की शादी हो जाती है और एलेन उसके साथ अमेरिका वापस आ जाती है। इसी के साथ ये नोवेल ख़त्म होता है। काफ़ी स्वीट सी और हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी है दी वाइट वाइट वर्ल्ड। काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें मिलते हैं। अब आपके सामने हैं इससे रिलेटेड MGSU के एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप विकिपीडिया की हेल्प से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।